युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रीमद् भगवद गीता के भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भगवान श्री राम श्री कृष्ण कथा का तात्विक विवेचन के समापन अवसर पर कथा व्यास अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्या भास्कर ने व्यास पीठ से कहा कि बस एक ही पर भरोसा किया जा सकता है, एक ही से आशा किया जा सकता है, वह है हमारे श्री प्रभु। बाकी कोई आपका सहारा नहीं हो सकता, इसलिए प्रभु के गुण का अनुसरण करें। प्रभु तो सदैव मधुर हैं, मीठे हैं, क्षमाशील हैं। हमें भी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी बोलकर सबको बस में किया जा सकता है। प्रभु में अपने मन को लगाए रखो, क्योंकि यह मृत्यु लोक है, यहाँ तो पल में ही प्रलय हो जाता है। किसी भी रूप में अपने भगवान से जुड़े जाने से भगवान स्वयं भक्त से जुड़ जाते हैं। दया के समान कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए भगवान को दया निधान कहा जाता है। उन्होंने गोपियों के चीरहरण की कथा के मर्म का भी तात्विक विवेचन किया। भगवान को किसी प्रकार का अहंकार पसंद नहीं है। भगवान जब गोपियों के साथ रासलीला करते हैं तो गोपियों को अपने सौभाग्य का मद हो जाता है। यह बात भगवान को पसंद नहीं आई तो उन्होंने सोचा कि मैं इन्हें छोड़कर इनको वियोग दंड देता हूँ। इसी कारण से भगवान एक बार जब गोकुल से गए तो फिर वापस नहीं आए। स्त्रियों की विशेषता बताते हुए कथाव्यास ने कहा कि स्त्रियों की जासूसी जिस प्रकार से स्त्रियां करती हैं उस प्रकार से कोई दूसरा नहीं कर सकता। रासलीला के समय गोपियां भगवान के चले जाने पर भगवान के साथ राधा की उपस्थिति की जासूसी करती थीं। राधा रानी उन गोपियों के भाव को समझकर उनके पास जाती हैं और सब मिलकर गोपी गीत गाते हैं। गोपी गीत का गान करते हुए उन्होंने बताया कि यह गोपी गीत प्रेम की पराकाष्ठा है। इसके भाव को समझकर जो भक्त इसका गान करते हैं वो भगवान के अति प्रिय हो जाते हैं। गोपी गीत में विरह की ज्वाला से संतृप्त गोपियां भगवान को खोज रही हैं। कथा का समापन आरती और प्रसाद से हुआ। इस अवसर पर महंत सुरेश दास, स्वामी राघवाचार्य महाराज, योगी कमलनाथ, स्वामी विद्या चैतन्य, नारायण गिरी, राजू दास, धर्मदास, महंत रविंद्र दास और यजमान पुष्पदंत जैन, महेश पोद्दार, अजय कुमार सिंह, सीताराम जायसवाल, अरुण कुमार अग्रवाल, अवधेश सिंह, श्री चंद बंसल, अतुल सिंह, प्रदीप जोशी, कनकहरी अग्रवाल, मार्कंडे यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। श्री स्वामी जी महाराज की जय। अनंत श्री समनंत गोरक्ष पीठाधिपत पूज्य श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज की जय। अनंत श्री समनंत गोरक्ष पीठाधिपत पूज्य श्री अवैधनाथ जी महाराज की जय। अनंत श्री समनंत पूज्य गोरक्ष पीठाधिपत योगिराज महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ब्रह्मा जी का इंद्र का मान मर्दन जब कर दिए तो नंद बाबा ने समझ लिया अब बछड़ा चराने की जगह इनको गाय चराने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। भगवान पौगंडावस्था की तरफ किशोर अवय मतलब बिहारी जी कहते हैं छोटी नर शिशुता की झलक
झलक्यो जोबन अंग। अभी शिशुता की झलक छूटी नहीं है, पर्दे का काम लेते धुआं से वहीं से छलांग लगा दिए भगवान आकर के समुद्र में झम से। कूड़े बोलो द्वारकाधीश भगवान की, रातों रात द्वारकापुरी का निर्माण करके सोते समय मथुरा में सभी नर नारियों को सोते सोते रातों रात द्वारका में पहुंचा दिए। सवेरे नींद खुली जब मथुरा के रहने वाले नर नारियों की द्वारका में रातों रात ट्रांसफर हो जाने पर सवेरे नींद खुली तो देखा सूर्योदय लग रहा है, समुद्र से निकल रहा है सूर्य। अब वो दिव्य सौंदर्य दर्शन करते हुए ये सब कहे, अरे ये हम लोग कहां पड़े, अरे ये दीवाले सुवर्ण की, अरे दीवाले ही नहीं पूरा का पूरा नगर सुवर्ण का है। सब कुछ भगवान द्वारकाधीश हो गए। जब घर बनेगा बढ़िया तभी न बर योग्यता होगी, कहते हैं ना लोग अच्छा घर बर मिले यही आशीर्वाद दीजिए, तो पहले घर फिर बर। जब सुवर्णमयी द्वारका का निर्माण हो गया तो वहां शिशुपाल विवाह करने के लिए हरदी वर्दी लगा के बैठा था, इंतजार कर रहा था। तब तक रुक्मिणी का पत्र लेकर ब्राह्मण देवता आए, भगवान ब्राह्मण देवता के पास पहुंचे, रुक्मिणी जी का हरण करके ले आए और यहां द्वारका में रुक्मिणी जी से विवाह किया। ये सब विस्तार से कल आपको थोड़े में बताएंगे, आज तो थोड़े संक्षेप में ही इस बात को यहीं पूर्ण करता हूं और इन सभी महापुरुषों का अभिनंदन करते हुए अभिवादन करते हुए आज की कथा की पूर्णता की अनुमति प्राप्त करता हूं। ओ हरि शरणम, 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 हरि शरणम। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत स्रोत्रादायत श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे व्याप्तं मा उष्णसनिखाड सर्पलोकमनिकाड। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल सतपंथ, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः ग्रहाण परमेश्वरं सर्वमंगल विग्रहाय समस्त परिवार विशिष्टाय पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमन्नारायण परब्रह्मणे नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि।
भक्तजनों के लिए स्मृति भवन के बाहर आरती और प्रसाद की व्यवस्था है, आप वहां आरती ले लें और प्रसाद ग्रहण करें। कथा आज यहीं पर विश्राम है, जो विगत 17 सितंबर से प्रारंभ होकर के आज कथा आज यहीं पर पूर्णता की तरफ हमारे